जनपद हरिद्वार में संस्कृत भारती की ओर से हरिपुर कला के श्री व्यास आश्रम में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से संस्कृत के कई विद्वान पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी में शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कई विधायी कार्य भी संस्कृत भाषा में करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि संस्कृत जन जन तक पहुंचे और सिर्फ पूजा पाठ की भाषा बनकर ना रह जाए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। निश्चित रूप से देखिए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं, वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का, जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं, उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने, राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार करें। हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेजी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है, ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा बने। देखिए, उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देव भूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय व्यास व्यास जी ने सरस्वती तट पर, वहीं पर बद्रीनाथ में, माना में, वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें? यही सनातन की संस्कृति, हमारे वेद। वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती चार धाम की धरती है, क्यों ना ऐसा हो कि चार धाम की धरती तो ही है, लेकिन चार वेद धाम की धरती भी बने, कि चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पे हो, लोग विद्वान बने। एक काशी में लोग विद्वान बनते थे, अब उत्तराखंड के उत्तर काशी में हमारे अपने जो चारों धाम है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और अपने गुप्त काशी है, सब जगह मिलकर हम लोग ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिसमें मुझे लगता है कुंभ के मेले में और कुंभ के मेले से पूर्व इसके लिए योजना बनाकर कि कैसे उत्तराखंड से संस्कृत भारती एक बहुत बड़ा ध्वज लेकर पूरे विश्व को साथ ले सके। जैसा कि मैंने कहा कि परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर शिव जी की जहाँ स्थापना, वहीं पर, वहीं से वेदों का उद्घोष हो, संस्कृत वाचन का, पठन का, पाठन का उद्घोष हो। मैं सारे संस्कृत के, हमारे संस्कृत भारती के सभी संगठन मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय से भी कहूँगा कि एक शुरू करें, वहाँ पर एक डिजिटल स्टूडियो भी बनाने जा रहे हैं हम लोग, ताकि वहीं से पूरे विश्व को शुद्ध संस्कृत भाषा में वेद मंत्रों का, संस्कृति का, संस्कृत का, संस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो सके।